So guys, we have this another article from Foreign Affairs, Iraq as it is. तो punchline में जो बात उन्होंने की है, America can help the country despite Iranian influence. देखो जी, इराक और अमेरिका के relations ना बड़े विचित्र हैं, बड़े यूनिक हैं. अब मसला क्या है, ईरान के साथ ना रिलेशन समझ में आते हैं. कैसे, एक जमाना था कि ईरान आपका अमेरिकन एलाय हुआ करता था, और 1979 के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, आयतोल्ला खोमेनी जब आ गए आपके, उनका जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ईरानियंस ने एंटी अमेरिकन स्टांस जो है अडॉप्ट कर लिया, और आज तक वही चल रहा है ना. तो ये तो समझ में आता है. इराक के साथ ना थोड़ी मुसीबत कुछ और है. इराक इज लाइक friend enemy है ना. तो ऐसे रिलेशन का ना समझ में नहीं आ रहा. तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो कंट्री को, इराक को हेल्प कर सकता है, जबकि ईरानियन इन्फ्लुएंस है इराक के अंदर, उसके बावजूद भी. पहले आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि इराक और ईरान दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, यू नो दैट. ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड है, क्योंकि सेक्टेरियन जो स्ट्राइफ है इराक और ईरान के बीच में वो बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिका के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि वेदर वी वांट टू हेल्प इराक और वी डू नॉट वांट टू हेल्प इराक, जो सेक्टेरियन स्ट्रगल्स है. समझ गए, वो शिया कंट्री है ईरान. बाकी लगभग जो आप मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज की बात करते हो, वो सुन्नी एरियाज हैं आपके. अब देखिए, इराक हैज बीन एन एनिमी, अ फ्रेंड एंड अ फ्रेनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर ऐसी कोई टर्म होती है तो, वैसे डिपेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इन वॉशिंगटन. जैसी हुकूमत वॉशिंगटन में बैठी है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि इराक जो है वो उनके लिए एनिमी है या फ्रेंड है या फ्रेनिमी है. एंड नाउ आफ्टर टू ईयर्स ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी इन इराक एंड अ न्यू गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द टू कंट्रीज मे फाइनली बी ऑन द पाथ टू सस्टेनेबल रिलेशंस. इन अर्ली ऑगस्ट, representatives from both countries met in Washington to launch negotiations on a long-term defense partnership. This dialogue and any potential agreement to follow may settle an enduring question ki what kind of relationship should the United States seek with Iraq. ye context hai article ka. 2 saal ho gaye ab Iraq jo hai wo finally thoda peaceful hai, और अमेरिका के अंदर सरकार भी आपको पता है बाइडेन की है, तो ऐसे में अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ थोड़े रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लिया जाए. वेल, पास्ट अटेम्प्ट्स बाय यूएस पॉलिसी मेकर्स टू आंसर दिस क्वेश्चन हैव ड्रॉन ऑन द वेरियस रोल्स इराक हैज प्लेड इन द अमेरिकन साइकी. अंडर सद्दाम हुसैन इट वॉज अ सैंक्शनड परिया स्टेट, एन एनिमी परपोर्टेडली हेल बेंट ऑन यूजिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. After the 2003 US invasion that toppled Saddam's regime, Iraq in turn became an experiment in nation building, a half-hearted partner in the war against terrorism, and a marionette controlled by Iran. तो जैसे कहते हैं ना कि dwindle होने लगा इराक आपका 2003 में जब अमेरिका ने हमला किया था WMDs के pretext के ऊपर, सद्दाम हुसैन, बाथ पार्टी, बाथिस्ट पार्टी. And now, the administration of American President Joe Biden has assigned itself the task of moving beyond this shifting legacy and normalizing the relationship once and for all. America ko Iraq isliye bhi chahiye aaj ki date mein, kyunki jo unke existent allies hain Gulf ke andar, jaise Saudi hai ya Turkey hai, jis kadar wo apni allegiances ko shift kar rahe hain aaj ki date mein, to America ke liye aur bhi zaruri ho jata hai ki unke allies ko jo hain wo secure karna, ya jo purane samay mein unke allies rahe the unke sath dobara baat cheet karna. Aur ek sabse bada karan dekhiye jo bahut hi common factor hai, wo Iran to hai hi. Fir Iran ko tackle karne ke liye aapko koi na koi to chahiye wahan pe. The 2,000 or so American troops stationed in Iraq today focus on training and advising Iraq's security forces,
The end goal is for Iraqi forces to operate autonomously, but for now, the US military conducts campaigns against the Islamic State in Iraq and Syria in cooperation with local partners, including 313 such operations in 2022. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के राज में आईसिस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, पर अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान आपके रिवाइव हुए हैं तो तब से जितने भी आपके और पुराने फैक्शंस हैं, अगर हम अलकायदा की बात करें, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की बात करें, आईसिस की बात करें, या इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस की बात करें, ये सारे आपके दोबारा एक्टिव हो गए। तो इसलिए अमेरिका नो डाउट जो है इराकी फोर्सेज को वैसे तो ट्रेन कर रहा है वहां पे, पर उनका मेन गोल यही है कि इराकी फोर्सेस जो है वो ऑटोनोमसली ऑपरेट करें, पर कुछ ऑपरेशंस वो कंडक्ट अभी भी करते हैं और कोई थोड़े ऑपरेशंस नहीं। 2022 में 313 ऐसे ऑपरेशंस उन्होंने कंडक्ट किए इराकी फोर्सेस के साथ मिलके। सो अंडर अ न्यू अमेरिकन इराकी एग्रीमेंट, टेक्निकल सपोर्ट एंड एडवाइजिंग विल लाइकली कंटिन्यू विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इवेंचुअल इंडिपेंडेंस फॉर द इराकी मिलिट्री, particularly elite units in the field. So making this transition possible will require better coordination among Iraq's diffuse security forces which often compete instead of cooperate. तो इससे no doubt जो है इराकी forces को cooperate करना सीखना होगा, और यही अमेरिका उनके लिए कर रहा है, वहां पे उनको सिखा रहा है। One factor complicating progress in US-Iraqi relations is the proliferation of militias that report to the Prime Minister but operate outside the formal command structure of the Iraqi military and in some cases appear guided by Iran even. Well, there may be a temptation in Washington to predicate future cooperation with Baghdad on the elimination of this channel of Iranian influence, but such an approach would be a mistake. और वो भी खास करके आज की डेट में जब Americans ने unilaterally withdraw कर लिया था अपने आप को joint comprehensive plan of action Iran nuclear deal से, ईरान आज की डेट में वैसे भी थोड़ा सा आपका एंटी अमेरिकन स्टांस रखे बैठा है, और अगर अमेरिका कुछ ऐसा करता है कि वो इस इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए अगर कोई हैवी हैंडेड अप्रोच अपनाते हैं, तो ये एंगर करेगा ना सिर्फ आपके ईरान को पर उन मिलिशियास को भी जो इराकी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज आपकी जो अमेरिका रिलेशंस नॉर्मलाइज करवाना चाह रहा है वहां पे वो हाथ से निकल जाएंगे। So Iraq does not need its already wobbly sovereignty undermined further by misguided US meddling. Told you, wahi line dekho aage. Jabki what it needs is the ability to provide for its citizens and rein in the militias on its own. So helping Iraq strengthen its state capacity is the best way to move toward a more normal, cordial US-Iraqi relationship and to serve the interest of the Iraqi people without compromising the United States on security. ये है main goal और ये है main way forward जो America को करना चाहिए, और वो कर भी यही रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं आगे। The recent history of US-Iraqi relations is a story of recurring conflict. In the decade before the first Gulf War, Iraq was on Washington's radar primarily as Iran's opponent in a grueling war that lasted from 80 to 88. कि हमारे ईरान और इराक के बीच में जो वॉर्स रहे हैं, तभी उन्होंने कहा कि फर्स्ट गल्फ वॉर जो हमारा हुआ है आपका अर्ली 90s में, उससे एक दशक अगर आप पीछे जाओ, इराक नो डाउट वॉशिंगटन के रडार पे था ईरान का प्राइमरी ओपोनेंट होने के नाते। And when President Ronald Reagan's secret sale of weapons to Iran was exposed in the Iran-Contra affair, the blowback pushed Washington to open up somewhat to Baghdad. करना ही पड़ा उन्हें। So after the war ended, Iraq became both a major market for Midwestern grain, despite concerns that it was amassing weapons of mass destruction. So with Saddam's invasion of Kuwait in 1990, Baghdad went from trade partner to strategic adversary of America. President George Washington Bush launched a war to liberate Kuwait, hoping in the process to destroy Saddam's elite units and render him vulnerable to a domestic revolt after his destruction. Well, this plan in the early 90s did not pan out.
The administration of President Bill Clinton continued to encourage plots against Saddam, and for the rest of the 90s, the United States waged economic war on Iraqi civilians through punishing sanctions and crippling the Iraqi economy. President George Washington Bush's 2003 invasion finally toppled Saddam's regime, triggering a civil war that killed tens of thousands in Iraq. And as the US occupation dragged on, the Bush administration struggled to back a new Iraqi leadership whose objectives aligned with Washington's. Left with little choice, it settled for a Nouri al-Maliki, a staunch Shiite politician, as prime minister. And you see that Iraq, which is a Sunni country, basically, but prime minister, who had to settle America? A Shiite politician. Many Sunnis, as usual, dekho wahi baat, many Iraqi Sunnis refused to deal with Maliki, however, setting up a persistent state of political instability. And when the administration of President Barack Obama withdrew American forces in 2011 from Iraq, both Iran and radical Sunni insurgents capitalized on Iraq's precarious state. Wahi kaam ki jaise hi American forces aapke nikli, ईरान और कुछ हमारे इराक के अंदर जो रेडिकल सुन्नी इंसर्जेंट थे, जो आपके अब तक जो है वो अपने आप को मैं कहूंगा कि रीग्रुप कर चुके थे, उन्होंने आपके इराक की ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा के अपने आप को जो है ऊपर बिठा लिया. ईरान इन्फिल्ट्रेटेड बिडेबल शियाइट मिलिशियाज एंड एग्रीव्ड सुन्नीज जॉइंड विद सीरियन आइसिस फाइटर्स टू सीज लार्ज स्वैथ्स ऑफ इराकी टेरिटरी. वही हो गया जो वो नहीं चाहते थे. Washington's initial prevarication in the face of this onslaught left the door open to Iraq's Shiite militias to counter this new threat, bolstering their own position in the process. और वही बात कि इराक जो है वो सिविल वॉर के हत्थे चढ़ गया पूरे का पूरा. अब आप देखिए कि वहां की कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इतने काबिल है नहीं कि वो आपके इराक के लोगों को जो है वो काम करवा सके, और ईरान का कंट्रोल भी बढ़ता गया हिजबुल्ला के जरिए, जो वो मिलिशियाज अपने सप्लाई करवाता है. और दूसरी बात, इराक के जो अपने सुन्नी इंसर्जेंट्स हैं, उन्होंने सीरिया बेस्ड एक ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसके साथ ज्वाइन करके और इराक के बहुत बड़े इलाके को जो है वो आईसिस के कब्जे में ले लिया. रिलेशनशिप रिमेन्ड फ्रॉड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. Officials considered Iraq an Iranian puppet and treated the country with suspicion and contempt, including by killing Iran's Quds Force commander Qasem Soleimani, along with the high-ranking Iraqi militia official Abu Mehdi al-Muhandis outside Baghdad's airport. So America wo kaam karta raha, aur sare drone attacks hote rahe aapke. And under Biden, Washington has so far emphasized economic collaboration while downplaying military relations between the America and Iraq, a shift made possible by the gradual decomposition of ISIS in recent years. देखो जी, तभी संभव हो पाया normalization जब ISIS आपका थोड़ा सा नीचे गया है. अगर ISIS आपका as usual अपने peak पे होता, तो अमेरिका को भी देखो वही काम करना पड़ना था, एक्सप्लॉइट ही करना था, उन्हें भी फिर एग्जीक्यूट ही करना था लीडर्स को, जो डोनाल्ड ट्रंप के राज में उन्होंने किया. ईरान के कुद्स फोर्स कमांडर की डेथ के बाद और एक हाई रैंकिंग इराकी मिलिशिया ऑफिशियल को मार के. एंड नाउ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज टर्निंग इट्स अटेंशन टू द मिलिट्री कंपोनेंट ऑफ द रिलेशनशिप. The statement released in August after the inaugural meeting of the Americans-Iraq Joint Security Cooperation Dialogue, as the current bilateral defense negotiations are officially known, primarily addressed efforts already underway to contain ISIS once and for all and to train Iraq's security forces so that American forces can leave Iraq and Iraqi military forces can operate on their own. But the talks may also yield a broader framework for a sustainable security relationship. आने वाले समय में Americans और Iraqis के बीच में एक अच्छी cordial military relationship जो है वो बन सकती है. And critically, they could set the foundations for an eventual withdrawal of US troops.
And as the Pentagon official Dana Stroll told reporters, I think it's fair to say decades into the future, US forces will not be present in Iraq in the current formation that we are today. Stroll's phrasing may be overly cautious here, but the message is clear. The United States will scale down its military presence from Iraq. क्योंकि नो डाउट अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने रिट्रीट किया, बहुत सारे और मिडल ईस्ट ऑपरेशंस के अंदर से वो रिट्रीट कर गए. अब अमेरिका इराक को भी क्लियर कर रहा है दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी एवर प्रेजेंट इन योर कंट्री, वी विल गो समडे, बट बिफोर वी गो वी वांट यू टू ट्रेन सो दैट यू कैन ऑपरेट ऑन योर ऑन. ऐसा सो फॉर नाउ यूएस मिलिट्री असिस्टेंस टू इराक विल कंटिन्यू, बट देयर आर वेज टू फोकस दीज एफर्ट्स. Rather than make open-ended commitments to the sprawling Iraqi military, Washington should concentrate on its most effective elements. और वो क्या है? Counter-terrorism service, जो कि एक special operations force है, and a key American partner in anti-ISIS campaigns, and the Federal Intelligence and Investigation Agency, जो कि एजेंसी है वहां पे रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो अमेरिका खास करके इन दो फोर्सेस को जो है ज्यादा ट्रेन कर रहा है, काउंटर टेररिज्म और फेडरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. यूएस मिलिट्री ट्रेनर्स शुड प्रायोरिटाइज मिशन प्लानिंग, इनकरेजिंग कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग डिफरेंट इराकी यूनिट्स एंड इंक्रीजिंग दोज यूनिट्स कैपेसिटी टू कंडक्ट सर्वेलेंस एंड कलेक्ट इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू चूज द राइट टारगेट्स. इराकी फोर्सेज ऑन द अदर हैंड विल ऑल्सो नीड टू डिवेलप देयर ओन कैपेसिटी फॉर लिमिटेड कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशंस विच ब्रिंग टूगेदर इन्फेंट्री मैन्यूवर्स, एयर सपोर्ट एंड आर्टिलरी फायर इन म्यूचुअली सपोर्टिंग वे, सो दैट कि वो आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी बना सकें और अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को इंटैक्ट रख सकें. सो एज वी हैव सीन इन यूक्रेन फाइट अगेंस्ट रशियन फोर्सेज, मास्टरिंग सच ऑपरेशन इज डिफिकल्ट एंड टेक्स टाइम. एक्सपेक्टेशन इन इराक शुड बी मॉडेस्ट. US advisors must also be realistic about the training they introduce. Adopting procedures and technology that will require indefinite US handholding will prove frustrating for both Washington and Baghdad. देखो अमेरिका नो डाउट एक मैं कहूंगा कि हेल्पिंग हैंड की तरह ऑफर कर सकता है, पर कहते ऐसे प्रोसीजर और ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना जो हमेशा के लिए अमेरिकन हैंड होल्डिंग की मांग करे, ये दोनों के लिए ही बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है. वॉशिंगटन भी ऐसा नहीं कर सकता और इराक भी ऐसा नहीं चाहता. सो एज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इराक फाइनली एडवांस टुवर्ड नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, द ड्रॉडाउन ऑफ यूएस फोर्सेज शुड फॉलो. Executing that drawdown while sustaining aid will be a difficult needle to thread. The two goals are in tension with each other. कि American forces वहाँ से निकलें भी और aid आपकी फिर भी उनको मिलती रहे. ये तो बिल्कुल अफगानिस्तान जैसी बात है कि जब Americans ने पूरी तरह से वहाँ से withdraw किया तो आज की date में ऐसा नहीं है कि वो aid दे नहीं रहे, but then वो बहुत एक limited तरीके से आ रही है. इराक के cases में भी आपको यही थोड़ा सा देखना होगा कि आप अपनी फोर्सेस को नो डाउट जो है रिट्रीट भी करो, पर एड को आप कंटिन्यू कैसे रख सकते हो, अब ये एक सिनेरियो है. अ गुड वे टू स्टार्ट इज टू रिप्लेस ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व, द कैंपेन द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड अगेंस्ट आईसिस इन 2014 विद अ मिशन दैट इज नैरोअर इन स्कोप. And this could include a small group of advisors working under the Office of Security Cooperation Iraq in Baghdad, which is responsible for managing security assistance and facilitating US-Iraqi cooperation. तो आगे लिखा है कि Office of Security Cooperation Iraq, however, is affiliated with the US Department of Defense but reports to the US diplomatic mission in Iraq, and its position between the Pentagon and the State Department imposes some limits on the support it can offer a partner military. देखो जी, एक ऑफिस के बारे में बात हो रही है, ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन इराक, जो नो डाउट आपका सिक्योरिटी असिस्टेंस को मैनेज करने में और अमेरिकन और इराकी कोऑपरेशन को बनाने में हेल्प करता है. हालांकि ये जो ऑफिस है
वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ एफिलिएट करता है अमेरिका में, पेंटागन में, पर यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं रिपोर्ट किसे करते हैं? अमेरिकन एम्बेसी को, कहाँ? इराक में। और ये चीज वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के बीच में थोड़ा सा रिलेशन है, ये कुछ लिमिटेशन पोज करता है इस बात के ऊपर कि वो किस कदर हेल्प कर सकते हैं अपने इराकी फ्रेंड्स को। The advisors under its purview may therefore be supplemented by a second, more flexible mission operated by US Central Command, जो कि Middle East में ही operative है। And this small deployment of special operations soldiers, highly trained in counter-terrorism, could assist with training and intelligence operations. And together, ये दोनों मिलके, this lower footprint military presence could offer a glide path toward normalization. इराक को लगेगा कि चलो अब हमारे no doubt American troops हमारी soil से निकल भी गई, और Americans की जो support है intelligence के नाम पे या फिर जो वैसे logistics के नाम पे वो मिल भी रही है इस Office of the Security Cooperation इराक के जरिए। A non-militarized relationship is a realistic end goal, जो Americans को देखना चाहिए। After all, the US troop presence in Iraq has been declining for years now, and absent a war with Iran or a resurgence of ISIS, this trend will continue. Well, there is no treaty committing the United States to come to Iraq's defense again, and the Iraqi government would be loath to seek any such commitment by identifying another state as a threat from which Iraq needs defending, lest it antagonize its neighbors and create the very security crisis it wishes to avoid. So Iraq khud bhi nahi chahega ki kabhi aane wale samay mein jo hai wo aise situation mein fase jahan pe unhe Americans ki zarurat pade, kyunki isliye bhi wo aisa chahenge ki Iran ke sath ya apne dono hi padosi mulkon ke sath, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, चाहे इधर आपके गल्फ हो या इधर आपके ईरान हो, वो नहीं चाहेंगे कि मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम वो क्रिएट करें आगे। इंस्टेड वो क्या चाहेंगे? बोथ साइड्स एनविसेज अ लो की फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन दैट डी एम्फेसाइजेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूएस कॉम्बैट ऑपरेशंस इनसाइड इराक। The US policy makers still need a plan for drawing down the remaining 2000 or so American troops in Iraq over the next few years, but the current accentuation of economic issues and relatively modest military coordination and assistance suggest a desired future for Iraq as a friend, not an ally of the United States. ये main बात है आपकी कि किस कदर वो ड्रॉ डाउन करेंगे अपने इन सो कॉल्ड 2000 सोल्जर्स को और इराक के लिए एक नॉन मिलिटराइज्ड रिलेशनशिप को बनाएंगे, एनविसेज करेंगे और उन्हें ऑटोनोमस बनाएंगे कि वो खुद अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर डील कर सके। दूसरी प्रॉब्लम जो शुरू हो रही है वो मिलिशिया प्रॉब्लम है कि इराक के अंदर अभी भी कुछ ऐसे सुन्नी इंसर्जेंट्स के ऐसे मिलिशियाज हैं जो अभी भी सरकारों को रिपोर्ट करते हैं। अब अमेरिकन्स को उन्हें कैसे टैकल करना जरा देखिए। सो दिस एटीट्यूड विद इन द यूएस गवर्नमेंट हैज इमर्ज्ड डिस्पाइट द प्रेजेंस इन इराक ऑफ सम शियाइट मिलिशियाज दैट अल्टीमेटली लुक टू तेहरान रादर देन बगदाद फॉर गाइडेंस, कि अभी भी कुछ ईरान के द्वारा सपोर्ट किए गए या यूं कह लीजिए इराक के अंदर ही कुछ आपके सुन्नी इंसर्जेंट्स आज भी बड़े हुए हैं, या यूं कह लीजिए ईरान के द्वारा जो हिजबुल्ला ग्रुप है जो शियाइट मिलिशियाज जो आपके कुछ बढ़ रहे हैं वो एक प्रॉब्लमेटिक कंसर्न। स्केप्टिक्स ऑफ यूएस कोऑपरेशन विद द इराकी गवर्नमेंट ऑफ्टन पॉइंट टू इट्स टॉलरेंस फॉर दीज अरेंजमेंट्स एज एविडेंस ऑफ इराकी परफिडी, कि नो डाउट जो इस बात के खिलाफ है कि यूएस को इराक के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, वो इसी ग्राउंड को यूज करते हैं कि देखो इराक जो है वो नो डाउट एंटी अमेरिकन स्टांस अपनाता है, इराक की जो सॉयल है जो सरजमी है वहां पे कई शियाइट मिलिशियाज आपके ऑपरेट कर रहे हैं, तो अमेरिकन क्यों टॉलरेट कर रहे हैं इराक के इस बिहेवियर को। एंड दे द सेम ग्रुप see the Biden administration's willingness to live with this situation rather than cracking down militarily or making American assistance conditional on corralling the militias as evidence of American fecklessness. And in this view, Iraq is at best an ambivalent partner and at worst a tacit foe.
So given the extent of Iran's influence in Iraq, the argument goes Iraq cannot act as an independent regional partner, at least as of yet. Abhi to nahi. So this competing loyalties within Iraq's army are undoubtedly a problem. But hybrid armies are also a reality of the 21st century today. The sociologist Max Weber's definition of a state as having a monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory may no longer apply today. आज की डेट में वो legitimate use करना physical force का और उसके ऊपर उसी state की monopoly होना ये आज लागू नहीं हो रहा. Max Weber का ये जो एक construct है authority को लेके ये आज नहीं है. आज hybrid हमारी armies हैं no doubt देशों में. National governments these days increasingly contract out the use of force to non-state actors. जैसे आप अगर रशिया के अंदर भी देखें तो वैगनर ग्रुप को कैसे आप देखो कि रशियंस ने अपने सो कॉल्ड सिक्योरिटी का जिम्मा जो है दे रखा था. In Syria's civil war, for example, state-sponsored mercenaries known as Shabiha have been key combatants on the side of Bashar al-Assad's regime. So these hybrid arrangements can prove risky as well. जैसे कि रशिया में the Wagner private military company recently challenged the authority of the Kremlin only to be cut down to size weeks later. And in Sudan, the paramilitary rapid support forces have torn the state to shreds. But Iraqi militias have no interest in displacing the state that feeds them, nor the capacity to do so. पर ये जो आखिरी वाली बात है, nor the capacity to do so, कल को अगर ईरान की सपोर्ट से उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, you never know कि वो उसी इराकी स्टेट को जो है इंगल्फ करने की कोशिश करें, जिसका वो आज के डेट में नहीं सोच रहे. क्योंकि आप ये भी तो नहीं बोल सकते कि दुनिया में इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि जहां पे ऐसा हुआ नहीं. साउथ सूडान एक क्लासिक एग्जाम्पल है, सीरिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है, रशिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पे आपके नॉन स्टेट एक्टर्स ने स्टेट के खिलाफ जाके काम किए हैं. सो इन इराक मिलिशियाज इमर्ज्ड फ्रॉम द एनार्किक कंडीशंस क्रिएटेड बाय द यूएस ऑक्यूपेशन. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो इंसर्जेंट्स आपके इराक के अंदर जो सुन्नी इंसर्जेंट्स आपके बड़े हैं, ये आए ही क्यों? यूएस ने जो ऑक्यूपेशन किया है 2003 के हमले के बाद, ये जो लोगों में डिसकंटेंट और सिविल वॉर की जो सिचुएशन प्रिवेल हुई है, ये वहीं से आए हैं. पहले तो ये देख लीजिए. When the 2003 invasion eliminated the Iraqi state's capacity to maintain order and provide services, warlords picked up the slack using ethnic and religious identity to manufacture their own legitimacy and authority, जैसे कि होता आया है. Outside powers exploited this development too. Iran provided advice and resources directly to Shiite militias, and the United States supported Sunni militias such as the Sons of Iraq. और वही situation Iraq को एक battleground बना दिया वहाँ पे. As Iraqis struggled to reconstitute their state, no single actor had the power or incentive to disband these groups or force them to enter a national, non-sectarian military. The growth of ISIS in 2014 provided the Shiite militias with a golden opportunity, क्योंकि इराक के अंदर जो शियाइट मिलिशियाज ईरान की सपोर्ट से काम कर रहे थे, उसी ईरान ने आइसिस के फाइटर्स को सीरिया में हिजबुल्ला की सपोर्ट भी दी. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आइसिस की जो ग्रोथ है 2014 में होना, वो इराक के अंदर ऑपरेट कर रहे इन शियाइट मिलिशियाज को भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं कि अब हमारे पास लोग हैं. और they made themselves indispensable by organizing quickly to counter ISIS when it was on the doorstep of Baghdad. And more recently, when the Shiite firebrand Muqtada al-Sadr pushed Iraq into a violent political crisis after the 2022 parliamentary elections, it was the popular mobilization forces, जो कि एक उन्हीं शियाइट मिलिशियास की ही एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके टाइज आपके ईरान के हिजबुल्ला के साथ है, ना कि इराकी आर्मी के साथ है, दैट सक्सेसफुली बैटल्ड हिज फॉलोअर्स.
बड़ी सीधी सी बात ये हो रही है, ये मिलिशियाज आपके बने कैसे? शुरू में अमेरिकन्स के ऑक्यूपेशन के बाद जो वहां के लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, उन लोगों ने सेक्टेरियन आइडेंटिटीज को यूज करके अपनी सपोर्ट बनाई। उसके बाद में उसी ईरान ने उन शियाइट मिलिशियाज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया इराक में सुन्नी मिलिशियाज को, और वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन बना ली इराक के अंदर। और आज आप देखो कि दोनों ग्रुप्स आपके इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो बैक डाउन होने को तैयार नहीं है। सो इन इराक मिलिशियाज हिंडर द स्टेट फ्रॉम फुली कंसोलिडेटिंग इट्स अथॉरिटी इवन एज दे ओकेजनली स्टेप इन टू एड्रेस स्टेट शॉर्टकमिंग्स। पर उसके बावजूद भी पूरी तरह से जो इराकी स्टेट है अपनी अथॉरिटी को बना नहीं पाई। फर्दर मोर इतना ही नहीं, मिलिशियाज सोक अप अनएम्प्लॉयड यंग मैन हु माइट अदरवाइज एंगेज इन क्रिमिनल और वायलेंट एक्टिविटीज। मिलिशियाज में ऑफर ओनली मेगर सैलरीज बट दे हेल्प कीप इराक्स एनीमिक इकोनॉमी अफ्लोट एंड देयर रिक्रूट्स आउट ऑफ ट्रबल। एंड एज इन अदर कंट्रीज विद हाइब्रिड आर्मीज, मिलिशियाज इन इराक हैव क्रिएटेड बिजनेस इंटरेस्ट हुज प्रॉफिट्स मेक देम पार्शियली सेल्फ सस्टेनेबल, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि वो मिलिशियाज ही हैं जो इराक के इस डिसकंटेंटेड यूथ को काम पे रख रहे हैं और इराकी इकोनॉमी को चलाए हुए हैं। सो इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें, however, the militias forays into business further compromise the country's economic growth through corruption and inefficient models of development, जो कि एक debilitating public-private partnership है, एक ऐसे प्रकार का that is hardly unique to Iraq. ये कैसे संभव है कि इराकी मिलिशियाज आपके हमारे इस इराक को, या यूं कह लीजिए कि इराक की इकोनॉमी को चला सकते हैं, वो भी खास करके तब जब वो बिजनेस के अंदर भी है। आज की डेट में नो डाउट आपको लगेगा इसको देख के कि वो इराकी इकोनॉमी को बनाए हुए हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म जैसे कि उन्होंने कहा, वो करप्शन ब्रीड करेंगे, इनएफिशिएंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट लेके आएंगे और इराक के अंदर ये मॉडल्स आपके सक्सेसफुल नहीं है। सो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स पर्सपेक्टिव अगर देखें, इरानियन बैक्ड मिलिशियाज पोज अ थ्रेट, इसमें तो कोई दराय नहीं। हरकत हिजबुल्ला अल नजूबा एंड कतियाब हिजबुल्ला इन पर्टिकुलर हैव पिक्ड फाइट्स विद यूएस फोर्सेस बेस्ड इन इराक एंड विद फ्यू एक्सेप्शंस हेयर एंड देयर द मिलिशियाज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम कवर फ्रॉम द इराकी गवर्नमेंट, द सेम गवर्नमेंट दैट ऑथोराइज्ड द यूएस मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इराकी सॉयल। और आज की डेट में वही गवर्नमेंट इन सो कॉल्ड इराकी मिलिशियाज को भी सपोर्ट कर रही है अगेंस्ट द शियाइट मिलिशियाज। So this is no doubt irritating for Washington and a potential source of escalation between the United States and Iran as long as US troops remain in Iraq. But the solution to this dilemma is not to fight the militias directly or compel the Iraqi government to rein them in. क्योंकि doing so, अगर दोनों ही सूरतों में वो कोई काम करते हैं, would only further undermine the sovereignty of an Iraqi state that's already weakened by the presence of the Iranian-backed militias. तो बल्कि वो नहीं चाहेंगे, वो इराक को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, ना कि उनकी सोवरेनिटी को और भी ज्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं। तो इंस्टेड क्या करना बनता है, द सेंसिबल अप्रोच फॉर वॉशिंगटन इज टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ द इराकी स्टेट थ्रू द स्लोअर less coercive and ultimately more sustainable levers of traditional diplomacy, targeted aid and economic cooperation. The militias are here to stay and challenging them directly would only increase their relevance and leverage, handing the Iranian government a win-win situation which Americans would in all the scenarios never want. So working with the government in Baghdad is far more promising. And on the question of the US troop presence, Iraq's political factions and the militias affiliated with them largely accept the position of their country's prime minister today, Mohammad Shia-ul-Sudani, who has backed the continuing presence of US military personnel to help develop the Iraqi armed forces. और आज उन्हें सही भी लग रहा है कि चलो जब तक वो हैं तब तक हम अपनी इराकी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करवा सकते हैं।
Furthermore, it appears as though a gradual process of integrating militias into the military command structure might be underway, which will eventually impose limits on their independent action thereafter. अगर वो बिना ट्रेन किए इराकी फोर्सेस को चले जाते हैं तो ये मेन आपकी बात है जो सिनेरियोस हमारे मिलिशिया की प्रॉब्लम का है. एंड फाइनली हमारी जो लास्ट में बात आती है, अमेरिका इराक को क्या ओ करता है और उसी की वजह से वो शायद वहां पे है. द मिसचीफ ऑफ प्रो इरानियन मिलिशियाज शुड नॉट डेटर वॉशिंगटन फ्रॉम एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू बगदाद एंड नॉर शुड द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ इराक हाइब्रिड मिलिट्री स्ट्रक्चर. कि अमेरिकन को दोनों ही चीजें, इराक का ये जो हाइब्रिड मिलिट्री स्ट्रक्चर है मिलिशियाज और इलाकी फोर्सेस का वो, और प्रो इरानियन मिलिशियाज का होना इराक के अंदर, दोनों ही बातें वॉशिंगटन को डेटर नहीं करनी चाहिए कि वो बगदाद को सपोर्ट करना बंद कर दे. कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. यूएस डिप्लोमेसी हैज ऑलरेडी टर्न्ड इट्स अटेंशन टू अदर सीरियस प्रॉब्लम्स अफ्लिक्टिंग इराक. The overall US approach is to move beyond security concerns and prioritize these pressing economic and humanitarian matters. For one, pehla, Iraqi government is unable to ensure a consistent round-the-clock electricity supply, which significantly hinders the country's productivity. Iraq's agriculture sector, which employs 18% of the population, has taken a severe hit due to drought, poor water management, and temperatures that soar above 120 degrees Fahrenheit in the summer. According to a 2021 survey conducted by the International Labour Organization, unemployment stands at 17% overall and 28% for women and 36% for youth. Gleaming malls and thriving markets in Baghdad, a rejuvenated riverfront in Mosul, and an economic resurgence in the frequently besieged Anbar province make for appealing photos to accompany stories about Iraq's post-ISIS recovery. But the truth is that most Iraqis struggle to make ends meet today. The youth of Iraq's population does create a demographic profile that correlates with higher levels of violence today. But the government's failure to provide for a swiftly expanding population presents a greater menace to Iraq's future than terrorism does. And persistent government shortcomings will only feed the terrorist threat. इस पूरे पैराग्राफ में वो ये बताना चाह रहे हैं कि फॉर वन, जहां से बात शुरू हुई थी, आप एक बार उसको दोबारा देखिएगा. उन्होंने ये बोला कि अमेरिकन्स को आज की डेट में इराक के साथ जो हमारी सिक्योरिटी रिलेशनशिप है उससे ज्यादा उनके लिए कुछ और भी करने के लिए पहले ज्यादा जरूरी है. जैसे कि उन्होंने ऊपर वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखी थी, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन मैटर्स कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वो ज्यादा ऑफर कर सकते हैं वहां पे, रादर देन कि वो सिक्योरिटी के ऊपर सिर्फ डील करें. ये पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया कि इराक के पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, या यूं कह लीजिए कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं. आगे देखिए क्या लिखा है. इतना ही नहीं, वॉशिंगटन हैज एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल टू हेल्प इराकीज रेक्टिफाई दिस सिचुएशन. So over the course of 30 years, the United States has inflicted grave damage on Iraq. A real politic approach would eschew an argument based on moral imperative, but in this case as well, ethics and national interest are on the same side. So helping Iraq recover from decades of conflict, rather than blaming it for a militia structure that is itself the product of the US invasion, कि आप सिर्फ उनको ब्लेम करने की बजाय, जो कि हमने ऊपर देख लिया कि वो खुद के हमले के बाद ही बल्कि पैदा हुए हैं, would make the United States regional posture more secure and enhance its reputation for reliability. ताकि कल को जब वो इराक से निकले, या यूं कह लीजिए जब अपने फोर्सेस को लेके जाए, तब भी कम से कम इराक जो है वो रिलाय कर सके हमारे अमेरिका के ऊपर. ऊपर आपने देखा कि ऑफिस फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इराक, वो जो अगर चाहते हैं
कि फोर्सेस की एब्सेंस के बाद कम से कम इराक को भी ये पता है कि हम पूरी तरह से अमेरिकन सपोर्ट के बिना नहीं काम कर सकते आज के डेट में। एंड नो डाउट ऑथर आगे लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के पास वो सारे टूल्स हैं आज के डेट में जो उन्हें चाहिए इराक को एड करने के लिए। इट शुड सप्लीमेंट इट्स ट्रू प्रेजेंस बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट्स, एंड एम्पावरिंग इराकी सिक्योरिटी सर्विसेज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। वॉशिंगटन हैज लेवरेज टू, इट इज द इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सिंगल प्रोवाइडर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द कंट्री, बट स्टिल इट शुड बी क्लियर आइड अबाउट वॉट इट कैन एंड कैन नॉट अकम्प्लिश इन इराक। US interest will at times bring it into conflict with Baghdad, and US diplomats and military officials will not always be able to monitor or influence their Iraqi partners always. But Washington and Baghdad must work together toward a future where the Iraqi state is not reliant on US troops to underwrite its own security and cohesion. The alternative क्या है is to keep Iraq in a perpetual state of dependence on the United States, which itself has competing priorities and domestic politics to contend with. So the most urgent challenges today Iraq and the United States face are not the kind that can be resolved by deploying meager 2000 US troops indefinitely. हमेशा के लिए अगर आप इराक में 2000 अमेरिकन फोर्सेस को सिर्फ स्टेशन रखोगे और अगर आपको लगता है कि इराक की सारी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाएंगी तो उससे नहीं होंगी। देयर हैज टू बी द अल्टरनेटिव। और जो लास्ट में उन्होंने बात लिखी, अमेरिका सिक्योरिटी के बिना इराक के लिए और भी ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक मैटर्स को डिजर्व करता है और उन्हें देना प्रॉमिस करता है। दिस इज समथिंग वी हैव इराक एज इट इज, कि अमेरिका क्या कर सकता है इराक के अंदर। पूरी चीज उन्होंने बता दी कि सबसे पहले जो मिलिशियाज आपके वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं इराकी फोर्सेस के साथ मिलके, जो हाइब्रिड फोर्सेस हैं आपकी, अमेरिकन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा पास्ट भी बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सद्दाम हुसैन रेजीम, जॉर्ज वॉशिंगटन बुश के समय में जब उन्होंने 2003 में सद्दाम की रेजीम को टॉपल किया था WMDs के प्रिटेक्स्ट के ऊपर, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिजॉल्व की बात की 2014 में जब ISIS के खिलाफ उन्होंने काम किया, वो सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर बता दी। इट्स अ वेरी क्लासिक आर्टिकल वी हैव अगर आप आज के मॉडर्न डे अमेरिका और इराक के बीच में बायलैटरल रिलेशंस को समझना चाहते हो तो। सो दिस इज समथिंग वी हैव, और ये बिल्कुल पंचलाइन बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाती है कि अमेरिका इराक को हेल्प कर सकता है डिस्पाइट इरानियन इन्फ्लुएंस। एट द एंड ऑफ द आर्टिकल वी सॉ कि कैसे अमेरिकन्स को टॉलरेट करना होगा इस चीज को, एंड दे शुड प्रोवाइड द एक्टिव सपोर्ट टू इराक। सो दैट्स समथिंग वी हैव।